हेलो एवरीवन, दिस इज सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक नेम इज़ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। जैसे कि आपको पता है, हम लोग थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है, मेडिवल पीरियड है, 700 से लेके 1750 के बीच का जो पीरियड है, उसमें जो चेंजेस आए हैं वो हम रीड कर रहे हैं। तो हम प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे पढ़ा था स्टूडेंट्स के किस तरीके से न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप बन रहे थे, और रीजन्स और एम्पायर्स किस तरीके से बने, पैन रीजन हमने पढ़ा था, उसके बाद वो डिसइंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन, सब कुछ हमने देखा। तो इसी तरीके से रिलीजन्स में भी चेंजेस आ रहे थे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रिलीजन में क्या क्या चेंज आ रहे थे थाउजेंड्स ईयर्स में हिस्ट्री के अंदर। वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजन ट्रेडिशन। यानी जो हमारा रिलीजन्स है, जो धर्म है, उसके अंदर भी चेंजेस आए थे। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन, जो पीपल्स थे वो अपने देवी पे विश्वास करते थे, वो समटाइम डीपली पर्सनल, कई बार तो उनकी पर्सनल अपने कोई भगवान होते थे, कोई देवी होती थी, बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव, बट मोस्टली उनका एक जो कलेक्टिव होता था, यानी पूरा एक समुदाय होता था, नंबर ऑफ पीपल्स होते थे, उनका भी एक जो कह सकते हैं कि एक भगवान होते थे, उनकी वो पूजा करते थे। बट पर्सनली भी वो अगर किसी एक भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते थे। एंड कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी। अब जो ये कलेक्टिव बिलीफ था, जो उनका समुदाय जो था, नंबर ऑफ पीपल थे सारे इकट्ठा होके, जो उनका आस्था थी नेचुरल एजेंसी में, यानी एक दैविक शक्ति में, जो यानी जिसको हम धर्म मान सकते हैं, रिलीजन मान सकते हैं, तो उस पर उनकी जो एक आस्था थी, वॉज ओफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो ये सब रिलेटेड करती थी, उनकी जो आस्था था, जो उनका विश्वास था, जो उनका धर्म था, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, बहुत ही ज़्यादा क्लोज उनके समाज और उनका आर्थिक की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी लोकल कम्युनिटीज़ की, उससे रिलेटेड थी। एंड एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप ऑल्टर्ड, सो टू डिड दियर बिलीफ्स। जिस तरीके से समाज चेंज होता गया, सोशल चेंज होता गया, तो उनका जो आस्था थी वो भी ऑल्टर्ड होती गई, चेंज होती गई। तो हम चेंजेस पढ़ने वाले हैं रिलीजन में किस तरीके से चेंज आया, क्योंकि जो पहले का टाइम पीरियड में था, उस टाइम पे कुछ और तरीके से प्रैक्टिस में थी, जो ये सब स्पिरिचुअल्स था, लेकिन अभी कुछ अलग वे में हुआ करता था। नाउ द ड्यूरिंग पीरियड, इस टाइम पीरियड्स में इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड हुए, लाइक जैसे कि हम देखते हैं व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। जैसे कि आज हम अपना देखते हैं हिंदुत्व है और किस तरीके से हिंदू अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, तो दीज इंक्लूड द वॉरशिप ऑफ न्यू, दैट इज़ अब नए नए भगवान की पूजा होने लगी थी, एंड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स, वायरोलिटी, जो रूलर्स थे वो अब टेम्पल्स बनवाने लगे थे, एंड द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। इस टाइम पीरियड्स में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो ये लाइन है वो बहुत मेन है, क्योंकि जो ये मेडिवल पीरियड्स में है, ब्राह्मण जो प्रिस्ट थे, इनका डोमिनेट ज़्यादा सोसाइटी में इंक्रीज हुआ, क्योंकि इनको संस्कृत की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। जो ब्राह्मण थे उनको रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि वो जो थे किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, और जो संस्कृत था उनको नॉलेज थी, तो वही लोग पूजा करवाते थे, सारे वेदों के मंत्र बोलते थे, वेदों की नॉलेज उनको थी। एंड देयर डोमिनेट पोजिशंस वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्टेड ऑफ देयर पैट्रॉन्स न्यू रूलर सर्चिंग ऑफ फॉर प्रेस्टीज। तो रूलर खुद तो अपने आप को प्रेस्टीज करने के लिए, अपने आप को जिसे कह सकते हैं वैल्यू बनाए रखने के लिए, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत ही हुआ करती थी सोसाइटी में, जो उनका एक प्रतिष्ठा को बनाए रखें। तो उन्होंने इनको पैट्रॉन दिया, यानी एक सपोर्ट दिया, किसको, जो ये ब्राह्मण्स थे, क्योंकि इनको संस्कृत की नॉलेज थी, और राजा अगर इनको पैट्रॉन करेंगे, संरक्षण देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इनका ही क्या होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इनका भी फेम होगा, राजाओं का नाम होगा। तो पैट्रॉन मीन्स क्या होता है, पैट्रॉन मीन्स होता है एन इन्फ्लुएंस वेल्दी इंडिविजुअल। जब कोई एक धनी व्यक्ति होता है हु सपोर्ट अनदर पर्सन, और वो किसी आर्टिजन को या आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है, किसी पर्सन को सपोर्ट करता है, या वो क्राफ्ट पर्सन हो सकता है, एंड लर्न मैन अ नोबल, कोई भी हो सकता है, तो उसको जो सपोर्ट मिलता है वो पैट्रॉन कहलाता है। तो ब्राह्मण्स को जो पैट्रॉन्स दी वो किसने दी,
जो ब्राह्मण को अगर हम मेन पैट्रॉन्स बोलेंगे तो वो दी रूलर्स ने. एंड वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर जो भक्ति है, जो उसका आइडिया है, वो इमर्ज हुआ. क्योंकि अभी तक तो सब ब्राह्मण्स पे डिपेंड करते थे अपनी रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए कि किस तरीके से हमें पूजा करनी है और किस तरीके से हम गॉड से कंडक्ट हो सकते हैं. लेकिन जो अब ये टाइम पीरियड में मेन चीज़ जो भक्ति आ गई थी, इसका मतलब था कि लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटी, जो भक्त है उसकी खुद की एक मतलब भगवान हो सकते हैं वो, अपना उनका एक उनसे एक्सप्रेस करने का तरीका है. ज़रूरी नहीं है उन्हें अगर गॉड की वॉर्शिप करनी है तो ब्राह्मण की ही ज़रूरत पड़ेगी या एक प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी या एलेबरेट रिचुअल्स की, या फिर उनको बहुत ही अच्छी तरीके से एलेबरेट करना पड़ेगा जो रीति रिवाज हैं उससे पूजा करनी पड़ेगी. नहीं, भक्ति मीन्स जस्ट यू सिंपल वे ऑफ वॉर्शिप. जो एक डिवोटी है सीधा वो अपना भगवान के अपनी तरफ से भी वो वॉर्शिप कर सकता है और इन सिंपल वे में कर सकता है, लाइक वो कैसे भी करे. लेकिन वो खुद, जब एक पर्सन खुद भगवान की पूजा अपने तरीके से कर सकता है एंड विदाउट ब्राह्मण, विदाउट नॉलेज ऑफ रिचुअल प्रैक्टिस, विदाउट नॉलेज ऑफ संस्कृत, एंड दिस लाइक द सिंपल वे ऑफ द वे टू द भक्ति ऑफ द गॉड. तो ये एक इमरजेंस ट्रेडिशनल आ चुका था. इसके बारे में अभी आप चैप्टर 8 में डिटेल में भी पढ़ेंगे. एंड दिस वाज आल्सो द पीरियड, ये वो पीरियड था जब न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड हो रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, यानी जो इंडिया है उसके अंदर नए नए धर्म भी आ रहे थे. मर्चेंट्स थे, माइग्रेंट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते थे. तो जो अपने साथ वो टीचिंग लेके आते थे, लाइक अ होली, जो होली कुरान है, जब वो इंडिया में आई थी 7th century में आई थी, तो मर्चेंट ही थे, व्यापारी थे जब अपने साथ वो इस होली कुरान को लेकर आए थे. मुस्लिम जो थे रिगार्ड कुरान एज देयर होली बुक, वो अपने इस बुक को एक जैसे हिंदू में गीता होती है उनका एक ग्रंथ होता है, ऐसे ही जो होली बुक है उनकी पवित्र बुक है जिसको वो कुरान कहते हैं. एंड एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी, जो सॉवरेनिटी मीन्स होता है कि दैट मीन्स जिस पे किसी का कंट्रोल होता है, लाइक हम कह सकते हैं कि भाई जैसे कंट्री है, कंट्री के अंदर के जो डिसीजंस हैं या उसके अंदर जो सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, अगर कोई इंडिविजुअली उसमें डिसीजन ले सकता है तो द पावर दैट अ कंट्री हैज़ टू कंट्रोल इट्स ओन. जैसे कि कंट्री को कंट्रोल करने की पावर होती है तो वो क्या कहलाएगी, वो सॉवरेनिटी कहलाएगी. दैट मीन्स वो एक उसका राइट है उस चीज़ पे. तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो बोलते हैं कि गॉड एक ही है, उस पे उसकी सत्ता को ये स्वीकार करते हैं, एक अल्लाह है, उसको उसके अधिकार को ये मानते हैं कि वही है और हम उसी को मानेंगे. एंड अल्लाह हुज लव मर्सी बाउंटी एम्ब्रेंस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम. दैट मीन्स एक कह सकते हैं कि अगर हमने उनको माना है अपना और एक ही है अल्लाह, तो वो क्या है, वो हमें अपना प्यार देते हैं, अपनी दया देते हैं. मर्सी यानी दया, बाउंटी यानी उदारता, यानी वो सब कुछ हमें देते हैं. बाउंटी यानी इनाम, लाइक वो बदले में ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं. एंड एम्ब्रेंस यानी कोई चीज़ गेट करना, ग्रहण करना. तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए मिल पाती हैं क्योंकि बिलीव इन हिम, क्योंकि वो भगवान यानी अल्लाह पे विश्वास करते हैं, इसीलिए उनका लव, उनका मर्सी, उनका बाउंटी और एम्ब्रेंस, एवरीथिंग इज़ वी आर गेट फ्रॉम टू द गॉड. और गॉड क्यों हमें ये सब कुछ दे रहा है, क्योंकि हमें उस पर क्या है, विश्वास है. विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, और ना उन ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोअर कास्ट के हो या अपर कास्ट के, तो अल्लाह ये सब चीज़ें नहीं देखता. होली बुक जो उनकी कुरान है और ये सब मर्चेंट जो माइग्रेंट्स थे अपने साथ ये टीचिंग लेकर आए थे. एंड अगर फर्दर हम इन डिटेल्स में जाते हैं तो जो मैनी रूलर्स थे वो भी इनको पैट्रॉन दे रहे थे इस्लाम को, उल्मा जिसे हम कह सकते हैं, इस्लाम एंड द उल्मा. जो लर्न थियोलॉजियन एंड जूरिस्ट, थियोलॉजियन मीन्स जो नॉलेज रखते हैं उल्मा की, इस्लाम की, और जूरिस्ट यानी जो वही है जिसको मतलब कह सकते हैं एक
मतलब रिटन राइटर ऑन लॉ, जिसे हम कह सकते हैं कि वो लॉ इन बुकों को लिखने वाला है या इसके रिगार्डिंग उनको सारी लॉ सारी इन्फॉर्मेशन पता है, तो वो ज्यूरिस्ट हो गया, यानी राइटर ऑफ या ऑन लॉ। एंड इस्लाम तो आपको पता ही है कि वो एक कह सकते हैं कि वो एक रिलीजन है, किसका, मुसलमानों का, मुस्लिम का। और तो थियोलॉजियन यानी जिनको नॉलेज है उल्मा की, इस्लाम की, तो ये थियोलॉजियन जो थे, जूरिस्ट थे, उनको पैट्रोन दे रहे थे रूलर्स। जैसे कि हमारे, हमने देखा था कि जो हिंदू में जो ब्राह्मण है उन्हें पैट्रोन कौन दे रहा था, रूलर। तो ऐसे ही रूलर्स इनको भी पैट्रोन दे रहे थे, लाइक अ हिंदुज़्म। इस्लाम वॉज इंटरप्रिटेड इन वेराइटी ऑफ वे। तो जैसे हिंदुज़्म के अंदर ये इंटरप्रेटेड हो रहा था, अलग तरीके से लिखा जा रहा था, ऐसे इस्लाम को भी इंटरप्रेटेड यानी उसकी व्याख्या की जा रही थी अलग अलग तरीके से, और उसके जो फॉलोवर्स हैं उनके द्वारा, जो भी उनके उनको फॉलो करते हैं। एंड देयर वर द सिया मुस्लिम हु बिलीव द प्रॉम्फेट मोहम्मद सन इन लॉ अली। तो इसमें कुछ लोग तो सिया को मानने वाले थे और कुछ लोग सुनी को मानने वाले थे। सिया और सुनी यानी दो इसमें बताया गया है, जो पहले है सिया को फॉलो करने वाले हैं मुस्लिम के अंदर भी, यानी दो कैटेगरी हो गई। एंड प्रॉम्फेट मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन, ये रहा प्रॉम्फेट मीन्स होता है अ पर्सन हु इज सेंट बाय गॉड एंड टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेज फ्रॉम गॉड, यानी गॉड का मैसेंजर बोल सकते हैं, जो लोगों तक उनका मैसेज पहुँचाता है। तो मोहम्मद थे, उनका जो सन इन लॉ अली था, उसको उनको मेन लेजिटिमेट लीडर माना गया मुस्लिम कम्युनिटी का। तो लेजिटिमेट यानी जिसको हम बोल सकते हैं लीगली। एंड उसके बाद है फिर सुनी, एक सिया मुस्लिम है और सुनी मुस्लिम है। तो सिया सुन्नी एंड मुस्लिम हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज। दो खलीफाज दैट मीन्स जो ओटोमन एम्पायर के रूलर थे, उस कंट्री के लीडर थे, तो उनको रिलीजन लीडर भी माना गया। ओटोमन एम्पायर जो आज प्रेजेंट टाइम में टर्की है, तो उस टाइम पे जब वो ओटोमन एम्पायर था वहाँ का रूलर था, और वो क्या था, वो लीडर था, रिलीजन भी और वहाँ कंट्री का लीडर भी था, तो वो खलीफा था, खलीफा थे। तो खलीफाज को जो सुन्नी मुस्लिम थे वो फॉलो करते थे। तो ये दो कैटेगरीज हो गई, सिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। एंड दी सक्सेडिंग खलीफाज, ये सारे खलीफा के ही सक्सेडिंग हैं। एंड देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, और इनमें अलग अलग डिफरेंट हैं जो कि स्कूल्स ऑफ लॉ, इसमें अगर आपको देखने मिलेगा हमारे इंडिया में जो है, इंडिया के अंदर मेनली हनफी और शफीज़, ये दो हैं जो कि देखने को मिलते हैं स्कूल ऑफ लॉ। वेरियस स्कूल्स हैं, उसमें अलग अलग डिफरेंस हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस हैं। एंड थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस, तो दोनों के दोनों जो थियोलॉजी है या मिस्टिक ट्रेडिशंस हैं, वो दोनों को क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, और उनकी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। और हनफी और शफी ये दो हैं जो कि मेन यहाँ पे डिस्क्राइब किए जाते हैं, और ये सारे दो जो मेन कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंग लॉ को पढ़ाया जाता है। तो ये रिलीजन था जो उस टाइम पीरियड में इतना चेंजेस देखने को मिला, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के, पुराने तरीके से कैसे लोग पूजा करते थे, फिर जैसे जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस हुआ तो लोगों का जो रिलीजन था वो एंड जो रिचुअल प्रैक्टिसेस थी वो भी चेंज होने लगी। तो ये सब क्या है, ये चेंजेस हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो का। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।